ये द्वारका माई दिखने में खंडहर है, लेकिन यहाँ जो चाहो वो मिलेगा। ऐसी है इनकी महिमा। यहाँ खजाना पड़ा है लूटने के लिए, और मैं इधर उधर भटक रहा था। यहीं रुकता हूँ। जैसे ही ये भिखारी यहाँ से निकलता है, मैं अंदर जाके सारा माल उड़ा लूंगा। मैं लिंडी बाग जा रहा हूं, आने में थोड़ी देर होगी। हाँ हाँ, मुझे पता है तेरा मन है मिर्च खाने का, और तू बाहर नहीं जाना चाहता। ले आऊंगा। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? अपने काम से काम रखो। कुछ परेशान दिख रहे हो, मैं मदद करूं? आप यहाँ गुमसुम खड़े थे तो मुझे लगा कुछ परेशान है। ए, अपने काम से काम रख, निकल यहाँ से, बिना बात के गुस्सा मत दिला। जैसी आपकी इच्छा। ये द्वारका माई है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। छुपा के रखा है इसने सोना चांदी। अरे ये कौन है, ये कर क्या है?
इसको, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, खोलो इसको। साई, साई, देखिए ये चोर है, चोरी करने आया था यहाँ और हमने इसे पकड़ लिया। चोरी करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा तो था किसी चीज की जरूरत हो तो मैं मदद कर सकता हूं। गोविंदा लो पकड़ो इसे। कमाई में जो कुछ भी है उस पर तो सभी का अधिकार है, इसलिए ये जो चाहे वो ले जा सकते हैं। पर इससे पहले तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है, लाओ तो। मुझे कॉल करना मूर्खता किया तूने। जो कुछ भी छुपा कर रखा ना सब दे दे मुझे, और थोड़ी भी चलाकी करने की कोशिश की ना तो तेरी खैर नहीं। जगन नाम है मेरा और जगन का वार कभी खाली नहीं जाता। चल निकाल सब कुछ, आप जो चाहें ले जा सकते हैं, लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं। झूठ मत बोल, सब जानता हूं मैं। बता बता कहां छिपाया तूने? बता। देखा साई, आपने गलती की से छुड़ाकर हमें तो गांव वालों को बुलाकर इसे उनके हवाले कर देना चाहिए था। वो सजा देते इसे तब समझ में आता इसको। नहीं परी, सजा देना कभी भी बदले की भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए। गुनाहगार को सजा देने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए कारागार भेजा जाता है। ए! तेरा भाषण सुनने का समय नहीं है मेरे पास। बता पैसे कहाँ रखे, नहीं तो ये पूरा का पूरा छुरा पार कर दूंगा मैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? साई ने तुम्हें मुक्त किया और तुम उनको ही नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हो। शांत गोविंदा, गुस्सा मत हो। इन्हें तो पता ही नहीं है कि अच्छाई क्या होती है। पैदा होते ही अपने माता पिता को खो दिया, उनके चेहरे तक याद नहीं है जगन को। सही कह रहा हूं ना मैं? सड़क पे बड़ा हुआ उन लोगों के बीच जिन्हें जीने के लिए चोरी करनी पड़ती थी। सड़क पे बड़ा होता जीवन बहुत संघर्षमय होता है, बहुत संघर्ष। यहां तक कि रात की एक रोटी के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो तुम? तुम्हारे डर, तुम्हारी तकलीफ से स्पष्ट है। जगन का खौफ अभी तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है जिन लोगों को तुमने लूटा वो तुमसे डर गए थे? नहीं, उन्होंने तुम्हें अपना धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ केवल इसलिए दे दिया क्योंकि उस पैसे उस धन से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान कोई चीज उनके पास थी। और जानते हो वो चीज क्या थी? उनका परिवार जो उनकी राह देख रहा था, उनके सगे संबंधी, रिश्ते नातेदार, दोस्त जो उनकी प्रतीक्षा करते थे। इतनी सब लूटपाट करने के बाद भी क्या तुम्हारे पास सगे संबंधी,
तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त हैं जगन? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है या डर है कि इस सुख को कभी भी भोग नहीं पाओगे तुम? एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम चाहो तो सही राह पर चलकर अपना परिवार पा सकते हो। मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। मैं जानता हूं हम डाकुओं को समाज स्वीकार नहीं करता है। बहुत दुनिया देखी है मैंने। हम वापस भी आना चाहे ना तो हमें कोई माफ नहीं करता। और अगर समाज तुम्हें स्वीकार करे तो, तुम्हारी मदद करे तो? झूठ बोल रहे हो तुम। बताओ बच्चों, अगर कोई इंसान जिसे अपने किए पर पछतावा हो और जो बुरी राह छोड़कर सही राह पर आना चाहता हो, नेक इंसान बनना चाहता हो, तो क्या तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे? जरूर साईं। मेरे बाबा भी ऐसा ही कहते हैं, माफ कर देना चाहिए। हाँ साईं, हम माफ कर देंगे। हाँ, इन्हें माफ किया जा सकता है। मैंने भी तो कितनी गलतियां की थी, लेकिन अध्यापक जी, मेरा मतलब मेरे बाबा, उन्होंने मुझे माफ कर दिया ना, और उसके बाद से उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं तुम्हें लूटने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मुझे माफ करने की बात कर रहे हो। कैसे आदमी हो तुम? आप पहले इंसान नहीं है। साई ने बहुत से लोगों को गलत राह छोड़कर अच्छा काम करने में मदद की है। बुआ का नाम सुना ही होगा, राणा डाकू का नाम भी सुना होगा। राणा डाकू? उन्हीं से तो सीखा मैंने ये सब कुछ। साई ने ही उनको सुधारा। उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया, अच्छे इंसान बने। तो वो तुम थे जिसकी वजह से राणा डाकू ने सब कुछ छोड़ दिया। तुम्हें तुम्हें सचमुच गुस्सा नहीं आता? ये कैसे मुमकिन है? तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? तुम्हें मालूम है ना कि मैं अभी भी तुमसे कुछ चुरा सकता हूं? तुम किसी का धन दौलत लूट सकते हो, चुरा सकते हो, लेकिन उसकी किस्मत नहीं चुरा सकते। तुम किसी का रुपया, पैसा, सोना छीन सकते हो, लेकिन उसका हौसला, उसकी खुशियां नहीं छीन सकते तुम। बाहर मेरे पीछे जो परिवार जा रहा है, उन्हें पहचानते हो? चल निकाल, धन दौलत पैसा सब निकाल। वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ अपने भाई के घर जा रहा है, उनके गांव जा रहा है, उस चीज के लिए जो तुम्हारे द्वारा लूटे गए पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके लिए। हां, इतने पैसे नहीं है कि वो सवारी से जा सके, इसलिए पैदल जा रहे हैं। थकान भी होगी, लेकिन जब दो परिवारों का मिलन होगा तो वो अपना सारा दुख, सारी तकलीफ, सारी थकान भूल जाएंगे।
अब बताओ वो लोग खुश हैं या तुम? दोनों में से बेहतर स्थिति में कौन है, लूटने वाला या फिर वो जिसे लूटा गया है? जगन, तुम किसी का सामान तो चुरा सकते हो लेकिन उसका हौसला, उसकी मुस्कान नहीं चुरा सकते। तुमने इन लोगों से जो कुछ भी छीना, जो कुछ भी लूटा, ये मेहनत करके कुछ ही दिनों में उसे दोबारा प्राप्त कर लेंगे। और तुम, तुम्हें क्या मिला, क्या हासिल हुआ तुम्हें? हमेशा भागती रहने वाली जिंदगी, हर समय अंग्रेज सिपाहियों का डर, पकड़े जाने का डर, कारावास की चिंता, और इसके अलावा क्या मिला है तुम्हें? साई, आज तक मुझसे किसी ने ऐसी बात नहीं की साई। आज तक मुझे किसी ने स्नेह और प्यार से नहीं समझा है साई। एक तरह से देखा जाए तो आप और मैं एक जैसे ही हैं साई, दोनों अकेले हैं। जबकि मेरे पास पैसे हैं और आपके पास शांति है साई। कैसे? विकल्प तो तुम्हारे पास भी था जगन, बस तुमने उसका चयन नहीं किया। साई, अगर मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया तो क्या लोग मुझे माफ कर पाएंगे, मुझ पर विश्वास करेंगे? मैंने कहा ना, अगर तुम अपनी राह बदलोगे तो लोग भी अपनी सोच, अपना नजरिया बदलेंगे। साईं, मैं अभी आता हूं साईं। आप फिर से आ गए, हमारे पास कुछ नहीं है। आप लोग डरिए मत, इस पर मैं आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि आपको देने आया हूं। ये आपकी अमानत है जो मैंने आपसे लूट लिया था। ले लीजिए। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें। पहली बार देख रहा हूं कि एक चोर लूटा हुआ पैसा वापस कर रहा है। भाव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या आप लोग मुझे माफ कर सकते हैं? अगर आप इसे लौटा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे इंसान हैं। जरूर कोई मजबूरी रही होगी आपकी जिसके लिए आपने चोरी की थी। आप एक नेक इंसान हैं, तभी तो आपने मेरे पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर आपको आपकी गलतियों का एहसास हो गया है तो हम आपको माफ करते हैं।
साई, उन्होंने मुझे माफ कर दिया साई। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा है खुद पे साई, पर इन्होंने मुझे माफ कर दिया साई। मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप खुद को बदलेंगे तो आपके प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी बदलेगा। समझ गया साई, आज के बाद मैं उसी राह पे चलूंगा जो आपने मुझे अभी अभी बताया साई। मुझे गर्व है आप पर और विश्वास भी है कि आप सदमार्ग से कभी नहीं भटकेंगे। देखा बच्चों, प्रेम, दया और सद्भावना से लोगों में परिवर्तन लाया जा सकता है। समझ गए साई। अच्छा साई, मैं चलता हूं, मुझे शक्ति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए साई, ताकि मैं लोगों के चुराए हुए पैसे, लूटे हुए धन, उन सबको वापस कर सकूं साई। राम जी भला करें। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे यही फल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई। धन्यवाद साईं, आपने हमारी इतनी मदद की। राम जी भला करें। इतने सुंदर मंदिर को तो लोग हाथों हाथ ले लेंगे, मुझे इसका वाजिब दाम लेना चाहिए, आखिर तिल लगाकर मेहनत चुकी है। देखने से उसका सारा सामान सादा और कमजोर लग रहा है, लकड़ी भी अच्छी नहीं है, कौन खरीदेगा उसे? साई और पति की मदद से मेरा मंदिर तो 100 गुना बेहतर है। कितने का है? 2 रुपए का। 2 रुपए? बहुत महंगा बेच रहे हो। सुनो भाव, ये ठीक कर दोगे? माफ कीजिएगा, मैं मंदिर बेचने के लिए आया हूँ, मरम्मत करने के लिए नहीं। आप ये ले लीजिए, सिर्फ 2 रुपए में दे दूंगा। नहीं भाव, मुझे इसे ही ठीक करवाना है, नया नहीं खरीदना। इतने सुंदर मंदिर का कोई खरीदार नहीं। आइए मंदिर ले लीजिए, सिर्फ 2 रुपए का है। मंदिर तो सुंदर है, 1 रुपए में दो तो अभी ले लूं। इतने में तो लागत भी नहीं निकलेगी। आप लकड़ी देखिए ना, और कारीगरी देखिए, 2 रुपए से कम में नहीं बेच सकता। अरे तुम यहाँ? नमस्कार। मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। ये मंदिर क्या भाव लगाया? आपके लिए मैं सस्ते में दे दूंगा। एक बात बताऊं, इसे सागवान की लकड़ी से बनाया है, कारीगरी तो आप देख ही रहे हैं। दाम तो बताओ।
वैसे मैं दूसरों को 2.5 रुपए से कम में नहीं देता, पर आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, अब आपके लिए कम नहीं करूंगा तो किसे करूंगा। आप 2 रुपए दे दीजिए। आज आपके पास पैसे नहीं है तो 1 रुपया दे दीजिए, बाकी का पैसा अगले सप्ताह दे दीजिएगा। ये हुई ना बात, ये लो, ये लीजिए। वाह 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 वाह, ग्राहक की कदर करना तो कोई तुमसे सीखे। मुझे नहीं लगता कोई मेरा मंदिर खरीदेगा, मैं बेकार में यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। मैं फिर से असफल होकर लौट रहा हूं। मैं भिक्षाम देही नहीं, मैं साई का सामना नहीं कर सकता। मैं अपना असफल चेहरा एक बार फिर उन्हें नहीं दिखा सकता। मुझसे मिले बिना ही जा रहे थे। किस मुंह से मिलता साई, आपको तो पता ही है। पूरी रात जागकर मैंने ये मंदिर बनाया, सबसे बेहतर लकड़ी इस्तेमाल की और तो और परी की सलाह भी ली और इसे बेहतर से बेहतरीन बनाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये मंदिर आज बेच पाए या नहीं, और वैसे भी ये तुम्हारा पहला दिन था आज। साई, मुझे तो किस बात का नहीं है कि मैं अपने मंदिर को बेच नहीं पाया, बल्कि दुख इस बात का है कि बाजार में एक और दुकानदार था जिसका कोई भी सामान मेरे मंदिर जितना अच्छा नहीं था, ना ही मजबूती में और ना ही कारीगरी में। फिर भी उसने अपना मंदिर एक ग्राहक को 2 रुपए में बेच दिया, और ये वही ग्राहक था जिसे मेरे मंदिर के 2 रुपए महंगे लग रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा साई, मुझे मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है साई? क्योंकि सफलता के लिए एक और चीज की जरूरत भी है, और वो है दृढ़ता। लेकिन साई, जब आप अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा होते देखते हैं तो बुरा तो लगता ही है ना, और जिंदगी ने मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया। असफलता सफलता की राह भी बन सकती है, और हार मान लेने की, मायूस हो जाने की भी। ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम असफलता को किस रूप में देखते हो, किस राह पर आगे बढ़ना चाहते हो। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सफल होने के लिए खुद को समय और परिस्थिति के अनुसार ढालना होता है। मैं कुछ समझा नहीं साईं। आओ मेरे साथ। राम जी भला करें।
रुको बलराम, उस बर्तन से मेरे लिए हथेली में पानी भर कर लाओ। जाओ। रुको, उस बर्तन से नहीं, मुझे उस कुएं से पानी लाकर दो हथेली में।